सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मराठा कॉन्फिडेंसी के बारे में। ये हमारे वीडियो का पार्ट सेकंड होने वाला है, एंड इससे पहले हमने पार्ट वन में मराठा स्टेट के बारे में डिस्कशन करा है, जिसमें बहुत ही पावरफुल रूलर शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा था। देन उसके बाद के जो रूलर हैं उनके बारे में डिस्कस करा था। अब ये पार्ट सेकेंड वीडियो होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मराठा कॉन्फिडेंसी के बारे में। इसमें जो रूलर है बाजीराव है, बालाजी बाजीराव है, बालाजी विश्वनाथ है, इन रूलर के बारे में प्रॉपर हम जानकारी लेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एग्जाम पर्पस से रिलेटेड भी, एंड आपको नॉलेज भी होगी इससे रिलेटेड। सो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। ओके, नाउ अब हम मराठा कॉन्फिडेंसी के बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बालाजी विश्वनाथ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाजी विश्वनाथ जो थे फर्स्ट पेशवा थे, जिनका टेन्योर रहता है 1713 से लेके 1720 तक। 7 ईयर्स का इनका मेनली टेन्योर रहता है, जिसमें ये एक बहुत ही फेमस रेवेन्यू ऑफिशियल रहते हैं, जिसमें इनका काम क्या होता है, वॉज गिवन एज अ टाइटल ऑफ सेना करता, द मार्कर ऑफ द आर्मी, जिनमें ये एज अ मार्कर ऑफ द आर्मी जाने जाते, एज अ सेना करता है हिंदी में बोल तो। देन अनदर पॉइंट है, ही बिकम पेशवा इन 1713 एंड मेड द पोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एज वेल एज हेरिडिटरी। इनकी जो पोस्ट होती है, एक तो मोस्ट पावरफुल लीडर की होती है, जो कि इनके ब्लड में भी होता है, इनहेरिटेड होता है। देन ही प्लैंड अ क्रूशियल रोल इन द फाइनल विक्ट्री ऑफ साहू। साहू जो थे वो लास्ट रूलर, अभी हमने डिस्कस करा ऊपर, लास्ट रूलर जो थे वो साहू थे, उनके बारे में डिस्कस करा। उनके जो विक्ट्री है उसमें एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। ऑल्सो कॉन्क्लूड एन एग्रीमेंट विद द सैयद ब्रदर्स किंग मेकर इन 1719, बाय विच मुगल एम्पायर रिकॉग्नाइज फारूक सियार एज द किंग ऑफ द स्वराज। अब फारूक सियार उस टाइम का एम्पायर था, बट ये फारूक सियार एज अ पपेट काम करता था। वो सैयद ब्रदर्स थे, दो दो ब्रदर्स थे जो सैयद ब्रदर्स थे, वो एज अ पपेट की तरह इससे काम कराते थे फारूक सियार को। तो एम्पायर फारूक सियार था, बट वो कहना सैयद ब्रदर्स का मानता था। तो उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें फारूक सियार को एज अ किंग ऑफ स्वराज रिकॉग्नाइज किया गया था। देन अब हम स्टार्ट करते हैं मराठा कॉन्फिडेंसी के बारे में। इसका मेनली टेन्योर 1720 से लेके 1880 तक रहता है, मेनली 100 ईयर्स का टेन्योर रहता है पूरा इनका। इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, सबसे पावरफुल रूलर एंड सबसे फेमस रूलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है बाजीराव। आपने एक मूवी भी देखी होगी जो रणवीर सिंह की बहुत ज्यादा फेमस है, बाजीराव, जिसकी वजह से वो इमर्ज हुआ था एज एन एक्टर। सो उन्हीं के बारे में हम प्रॉपर इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनका मेनली टेन्योर रहता है 1720 से लेके 1740 तक। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाजीराव के बारे में, जो हम प्रॉपर इसमें पूरा रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बाजीराव द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ सक्सीडेड हिम एज अ पेशवा एट द यंग एज ऑफ 20। अभी हमने बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ा, बालाजी विश्वनाथ के ही ये सबसे बड़े बेटे थे, और अपनी यंग एज में 20 साल की उम्र में ये एज अ पेशवा उन्हें सक्सीड करते हैं बालाजी विश्वनाथ को। देन सेकेंड पॉइंट है, ही वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुलेरिया टेक्टिक्स आफ्टर शिवाजी एंड मराठा पावर रीच इट्स जेनिथ थंडर हिम। अब गुलेरिया टेक्टिक्स क्या होता है? गुलेरिया वेलफेयर के बारे में हमने बहुत सुना है, हर जगह ये वर्ड आता है। ये ना एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मिलिट्री होता है, मेनली जो बाहर के जो अटैक्स होते हैं उन्हें रोकने के लिए होता है। सो इनके जो मेनली रूल में था वो गुलेरिया टेक्टिक्स बहुत फेमस हुआ था, की वजह से मराठा पावर जो था अपने जेनिथ पर आ गया था। जेनिथ का मतलब है एक पीक पर आ गया था इनके रूलिंग पीरियड में। नाउ ही एक्सपेल्ड एंड डिफीट द सिद्दीस ऑफ जंजीरा फ्रॉम द मेन लैंड इन 1722। तो जो बाजीराव थे उन्होंने एक तो डिफीट करा था सिद्दीस को। सिद्दीस ना मेनली अलग अलग पॉपुलेशन में होते थे, जैसे हिंदू अलग सिद्दीस होते थे, मुस्लिम अलग सिद्दीस होते थे, क्रिश्चियनिटी अलग सिद्दीस में आते थे, एक जनरली एक कास्ट होती थी, ठीक है। तो उन्हें डिफीट करा था उनके ही मेन लैंड पे इन 1722, एंड मेनली ये कर्नाटका में पाए जाते हैं। एंड ही कंकर्ड बेसिन एंड सेलेस्टा फ्रॉम द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज ने मेनली ये दो टेरिटरीज थी, बेसिन एंड सेलेस्टे, ये महाराष्ट्र में पड़ती है, उन पर कब्जा कर लिया था। उन्हें भी कौन किया था? बाजीराव ने 1739 में। नेक्स्ट पॉइंट है, ही ऑल्सो डिफीट द निजामुल मुल्क नियर भोपाल एंड कॉन्क्लूडेड द ट्रीटी ऑफ दराहा सराई बाय विच
ही गॉट मालवा ऑफ बुंदेलखंड फ्रॉम द लेटर इन 1738। अब क्या होता है, इन्होंने निजामुल मुल्क को जो भोपाल के नियर एम्पायर था, रूलर था वहां का, उसे भी डिफीट कर दिया था। और डिफीट करने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसे ट्रीटी ऑफ दराहा सराय बोला जाता है, जिसमें क्या होता है मेनली मालवा जो होता है उन्हें वापस मिल जाता है जो मेनली इसने कंकर कर रखा होता है पहले निजामुल मुल्क ने। देन नेक्स्ट पॉइंट है ही लीड इन्यूमरेबल सक्सेस एक्सपीडिशन इन टू द नॉर्थ इंडिया टू वीकन मुगल एम्पायर एंड टू मेक मराठा एज अ सुप्रीम पावर इन इंडिया। सो मेनली बाजीराव ने मराठा को सुप्रीम पावर बनाने के लिए बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपीडिशन करे थे नॉर्थ इंडिया में, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर बहुत ही ज्यादा वीक हो गया। ओके नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में। इससे पहले अभी हमने डिस्कस करा बाजीराव के बारे में। बाजीराव जो थे फर्स्ट एम्पायर थे, देन उनके बाद का जो टेन्योर रहता है वो बालाजी बाजीराव का रहता है। इनका मेनली टेन्योर 1740 से लेके 61 तक का रहता है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड करते हैं। पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, ही सक्सीडेड हिज फादर एट द एज ऑफ 20। सो मेनली इन्हें नाना साहेब के टाइटल के नाम से जाना जाता था। एंड एट द यंग एज ऑफ 20, अपने 20 साल की यंग एज में ये अपने फादर को सक्सीड करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द डेथ ऑफ साहू इन 1749 द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर वॉज लेफ्ट इन हिज हैंड। सो साहू की डेथ के बाद 1749 में सारा जो मैनेजमेंट होता है स्टेट अफेयर्स का वो इनके में आ जाता है। देन थर्ड पॉइंट है, इन एन एग्रीमेंट विद द मुगल एम्पायर अहमद शाह द पेशवाज वाज टू प्रोटेक्ट द पेशवा वाज टू प्रोटेक्ट द एम्पायर फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज लाइक अहमद शाह अब्दाली इन रिटर्न ऑफ चौथ। चौथ हमने ऊपर भी पढ़ा, एक टैक्स होता है जो कि 1/4 पीजेंट्स को देना होता है एज अ लैंड रिवेन्यू। सो मेनली क्या होता है कि एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली अलग अलग है। अहमद शाह जो है वो मुगल एम्पायर है। सो उसके साथ जो मराठा है वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, पेशवा जो है एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से इन्हें मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट करना होता है। तो उस टाइम का अहमद शाह अब्दाली जो था अफगान रूलर था वो बाहर से आता है, ठीक है, मेनली इंडिया पर कॉन्कर करने। सो मेनली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़नी पड़ती है जो कि January 14, 1761 में हुई थी। इट रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ मराठा बाय अहमद शाह अब्दाली एंड द डेथ ऑफ विश्वास राव एंड सदाशिव राव भाऊ। दिस इवेंट शॉक्ड पेशवा बालाजी बाजीराव एंड आफ्टर 6 मंथ ही ऑल्सो डाइड। सो क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है मेनली तो मारने आया होता है अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह को, बट उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी ट्रीटी जो साइंड होती है इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से बचाने के लिए इन्हें पेशवा को भी इनके साथ लड़ना पड़ता है। सो अहमद शाह अब्दाली जो है 1761 में जब आता है, इनकी बैटल होती है हरियाणा में, हरियाणा के पानीपत में। सो उसमें जो अहमद शाह अब्दाली है वो मराठाओं को डिफीट कर देता है। देन उसकी वजह से विश्वास राव और सदाशिव राव इन दोनों की डेथ हो जाती है जो कि बालाजी बाजीराव के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। सो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और 6 मंथ्स के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। सो यहाँ तक मराठा एम्पायर का एंड हो जाता है। सो मराठा एम्पायर में बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने पूरा प्रॉपर रीड करा है जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके जो भी यूनिवर्सिटीज बेस्ड एग्जाम है उसके लिए रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।